भक्त लोग आना चाहते हैं। देखो आसक्ति के कारण जब व्यक्ति जन्म लेता है तो भक्ति के कारण भी व्यक्ति का जन्म होता है। आसक्ति का सुख व्यक्ति को विवश कर देता है जन्म लेने के लिए, तो भक्ति का सुख भी व्यक्ति को विवश कर देता है जन्म लेने के लिए। भक्त के भी बार बार जन्म होते हैं, सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं। बोलो भाई, हम सब यही चाहते हैं कि पहले तो जाना ना पड़े, और जाना पड़े तो फिर बार बार यहीं आना पड़े। आहा, धन्य है भक्त का यह भाव। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण। मुक्ति छुपाए न जिसको, मैं उसे बंधन कहूँगा। जो मरण को जन्म समझे, मैं उसे जीवन कहूँगा। जन्म हो भगवान के लिए, जन्म हो। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। केवट कहता है कि ये मुक्त करने वाली धूल को धो डालूंगा। अच्छा, एक और अद्भुत बात है। केवट कहता है कि आपकी चरण धूल में मनुष्य बना देने की क्षमता है। बात बिल्कुल सही है। मानवता जीवन में आएगी तो भगवान के चरणों की कृपा से आएगी। हम मनुष्य के रूप में हैं, पर मनुष्य हैं कहाँ? जून का महीना दोपहरी का समय, एक राहगीर प्यासा किसी कस्बानुमा गांव से निकला। ना कोई पौशाला, ना नल, ना कुआं। प्यास जोर की लग रही थी। तब तक एक मकान का दरवाजा खुला था। एक सज्जन बैठे थे, सुराही रखी थी, सुराही के ऊपर गिलास। उसको लगा यहाँ पानी मिल जाएगा, चला गया। बोला, बाबूजी बाबूजी बड़े जोर की प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। उस आदमी ने अभिमान के बोझ से झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई। क्या क्या पानी मिल जाएगा? तुम्हें हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? हमारे पास तुम जैसों को पानी पिलाने के अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ कोई नल है, पौशाला है, कुआं, चले आए, पानी पिला दो, पानी पिला दो। हाँ, देखते नहीं है एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मन ही मन बोला, सो तो देख ही रहे हैं। आजकल शरीफों के घर ऐसे हो गए जहाँ पानी भी ना मिले। पहले मकान के बाहर लिखा रहता था शुभागमन, सुस्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलेगा। अब लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी मकान के सामने लिखा होगा कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। रहते आदमी, कुत्तों से सावधान किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा, कुत्ता काहे को पालते हो? तो वो कहने लगा कि महाराज, जमाना बड़ा खराब है, बड़ा डर है। डर है? हाँ। उस दिन मैंने सोचा कि आज आदमी आदमी से डर रहा है, आज आदमी आदमी से डर रहा है, और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और हम अपने को आदमी कहते हैं। भगवान राम के चरित्र से मानवता आती है। आज आदमी को डर के आदमी का, अच्छा बोलो, कुत्ता चोरी करने नहीं आता, चोर को पकड़वाने में मदद करता है। ये सब आदमी करते हैं, तो कहाँ मानवता है?